मरियम नवाज कभी कभार ऐसी बातें कर जाती हैं जिससे ये साबित करना मुश्किल नहीं होगा कि उनका जहनी तवाजुन मुकम्मल तौर पर बिगड़ गया है। अब हाल ही में उनके बयान की बात करते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान को रोकना जिहाद है। झूठ, फरेब, धोखा जैसे अल्फाज मौसूफ की तारीफ में कम पड़ जाएंगे। जी हाँ, यहाँ बात हो रही है मरियम नवाज की, जो खुद अरबों रुपए के डाके मार कर कहती है मेरा वतन इस वक्त बहुत मुश्किल में है। पीटीआई को करप्शन पर दर्ज दे रही हैं। उनका कहना है कि इमरान खान जो कर रहे हैं वो फसाद है, उन्हें रोकना जिहाद है। मरी में खैबर पख्तूनख्वा सोशल मीडिया टीम के मेंबरान से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज ने इमरान खान के खिलाफ फिर जहर उगला। कहती हैं, गुज़िश्ता कई सालों में मईशत पर कारी सर्वे लगाई गयी। इमरान खान IMF के हाथों पाकिस्तान को ग्रेवी रख कर गए, जैसे की नून लीग IMF को टफ टाइम दे रही हो। पाकिस्तानी मईशत को लेटर पर डालने वाली नून लीग की नायब सदर इमरान खान को जिम्मेदार ठहरा रही है। कहती है ये नालायक थे कि दोस्त ममालिक को दुश्मन की सफ में फेंक दिया। तुर्की के सारे मंसूबे तातुल का शिकार हैं। तुर्की की बिजनेस कम्युनिटी इमरान खान से नाराज है। जलसों में आए बाएं शाएं करके तकरीरें सीखने वाली मरियम नवाज अब इमरान खान को मशवरे दे रही है। कहती है लॉन्ग मार्च नाकाम हुआ, इमरान खान के चेहरे पर मायूसी है। खान साहब को ऐसी हालत बाहर नहीं, नींद की गोलियां खाकर सो जाना चाहिए। मरियम नवाज ने सियासत में इदारों को घसीटने की नाकाम कोशिश की और कहने लगी कि इमरान खान दहशतगर्दों से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि उन्होंने सियासी जमात का नकाब ओढ़ा हुआ है। कानून नाफिज करने वाले इदारों से पूछती हूँ, क्या ऐसे दहशतगर्द को खुली छुट्टी मिलेगी जो खुद अपनी दहशतगर्दी का एतराफ कर रहा हो? हम नया रद्दुल फसाद इनके खिलाफ लॉन्च करेंगे। लॉन्ग मार्च में निहत्ते अवाम पर गोलियां बरसाई गयी, बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। ये सारा मौजरा मरियम नवाज ने चालाकी से अपनी गुफ्तगू में गोलमोल कर दिया। कहा अगर ये जहाद है तो इमरान खान के बच्चे कहाँ हैं? जहाद है तो खुद आप पर भी फर्ज है। जहाद तो हर मुसलमान पर फर्ज होता है, मरियम नवाज ने बड़े तकब्बुराना अंदाज में कहा। इमरान खान एस्टेब्लिशमेंट में इस नंबर को ढूंढ रहे हैं जो बदल गया है। एस्टेब्लिशमेंट को आवाजें दी जा रही हैं, मुझे बचा लो। ये अदलिया में एक साकिब निसार को ढूंढ रहे हैं। इमरान खान ने हर उस शख्स को डसा, अमरीका को ललकारने वाला गिरफ्तारी के डर से खैबर पख्तूनख्वा में छुप कर बैठा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।